हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक स्वामी। मैं आज आपको देने वाला हूँ यहाँ पे कूल पैड कूल 5 की एक अनबॉक्सिंग, और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है अंदर से और क्या चीज़ें लेकर आता है आप सबके लिए। तो एक अंडर बजट स्मार्टफोन है ये, 10,000 के नीचे देखने को मिल जाता है, और इसकी प्राइस एंड बाकी लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, तो देख लीजिएगा। और ये कूल पैड कूल 5 का बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, और पेपर मैंने फाड़ दिया भैया, पेपर फाड़ने में जो मज़ा ना और कुछ नहीं आता भाई, मेरे को सबसे अच्छी आवाज़ लगती है। नाउ सील ब्रेक करते हैं एंड देखते हैं डिवाइस अंदर से कैसा निकलता है। थैंक यू शेरा भाई, बहुत ही अच्छे से काट दिया अपने सील को एंड ये बॉक्स हमारा ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा स्मार्टफोन जो कि एक फिल्म के अंदर है, और इसको अभी हम साइड पे रख लेते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या कॉन्टेंट्स है। तो साइड से मैंने खोला है, सबसे पहले यहाँ पे यूएसबी केबल देखने को मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी केबल है ये, एंड सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत नेसेसरी टूल है कि नहीं, कमेंट करके बताओ भैया, इसके बिना मोबाइल चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एंड ये है हमारे पास पावर ब्रेक जो कि नॉर्मल चार्जर है। अब इस प्राइस पे यार फास्ट चार्जर प्लीज यार ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ओके, बॉक्स यहाँ पे हो गया। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे थोड़े से लीफलेट्स हैं, और यहाँ पे कवर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे से पैक करके दिया है, और अगेन लिफाफे की आवाज़, मधुर आवाज़। और ये हमारे पास है टीप्यू केस, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी, मेरे को शिकायत नहीं है इससे। एंड नीचे थोड़े से लीफलेट्स देखने को मिल जाते हैं, आई थिंक उसमें आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी, मैं भी नहीं हूँ, मैंने इसको यार मतलब दिखा दिया है, चलो कोई बात नहीं, साइड पे रखते हैं एंड चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। एक चीज़ भूल गया, ये है हमारा स्क्रीन गार्ड, जी हाँ भैया, ग्लास पे मिल रहा है हमको, और ये देखो वाटर ड्रॉप नॉच की कटिंग, चलो साइड पे रखें यार, अब डिवाइस पर चलते हैं। तो भैया आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए मैंने कोई भी कट नहीं लगाया है यहाँ पे, चाहे मैं फास्ट मोशन कर देता हूँ। तो डिवाइस को निकालते हैं यहाँ पे फिल्म के अंदर से, बहुत हार्ड फिल्म है। पहले तो मैं सोचता रहा इसको खोलना कैसे है भाई, फिर पता चला इसको खोलना नहीं है, इसको स्लाइड करके बाहर निकालना है, पोपट हो गया भाई। तो भैया फाइनली दिमाग लगा, भाई नीचे से निकाल लो, आज बहुत गंदा वाला पोपट हुआ, तो मैंने मोबाइल निकाल लिया, और ये है आपके सामने डिवाइस। इसकी स्क्रीन के ऊपर एक और फिल्म लगी हुई है, पीछे फिल्म ही फिल्म है यार, मतलब इतनी फिल्म्स। तो निकाल लेते हैं स्टिकर को भी फटाफट से, तो डिवाइस यहाँ पर आ गया हमारे सामने। तो चलो यार इसके फर्स्ट इंप्रेशंस देता हूँ कि फ़ोन कैसा लग रहा है, लेट्स गो। तो गाइस डिवाइस सेटअप हो चुका है एंड मेरे हाथ में है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड डिवाइस में पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है पॉलीकार्बोनेट बैक, यहाँ पे ग्रेडिएंट फिनिश है, सुंदर लगता है, बट यार फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी छप जाते हैं, बट ओवरऑल मेरे को इसकी लुक जो है अच्छी लग रही है। एंड डुअल कैमरास मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को कि लुक अच्छी है इसकी। एंड वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है जो कि बढ़िया बात है, और इनका अपना कस्टम यूआई है जो कि एंड्रॉयड 9 के ऊपर चलता है, सो वी आर गेटिंग एंड्रॉयड 9 जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है, दैट्स नाइस ब्रदर। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये एक अनबॉक्सिंग है, पहली बात तो यार तुम अनबॉक्सिंग पे इतना ज़्यादा मतलब अपने डिसीजन मत लिया करो, ठीक है, जब तक आप रिव्यू नहीं देख लेते किसी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर आप अपना डिसीजन मत लो कि ये डिवाइस आपके लिए है कि नहीं। अनबॉक्सिंग मीन्स हम आपको डिवाइस दिखा रहे हैं कि ये डिवाइस आया है और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ये डिवाइस मेरे को काफ़ी स्नैपी लग रहा है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है मेरे को, टच रिस्पॉन्स अच्छी है इस डिवाइस की, और मेरे को कोई लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा, तो अमेजिंग है फर्स्ट इंप्रेशन में, ठीक है। बाकी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या है, और सेटिंग्स में चलते हैं, मैं आपको पहले दिखाता हूँ सिस्टम में जाके, एंड एडवांस में चलते हैं एंड अबाउट फोन में चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि रैम इस फोन में 4GB है, दैट्स गुड, दैट्स इंप्रेसिव, और रेजोल्यूशन 720p की यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, मीडियाटेक हीलियो P22 है हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें में देखने को मिल जाती है, तो अच्छी बात है। एंड एंड्रॉइड वर्जन अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, एंड्रॉइड वर्जन जो है इस फोन के अंदर वो है एंड्रॉइड 9, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये देखिए, ये हमारा लोगो आ गया एंड्रॉइड 9 का, सो दैट्स अमेजिंग, एंड्रॉइड 9 हमें देखने को मिल रहा है। जुलाई 5 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है, आई होप हमें सिक्योरिटी पैच थोड़ा लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा जल्दी, बाकी देखते हैं कब तक आता है कब तक नहीं। सिस्टम अपडेट देखते हैं कोई नया आया है कि नहीं आया, तो करंट सिस्टम कह रहे हैं कि लेटेस्ट है, ओके दैट्स ओके। एंड डिस्प्ले मेमोरी इन्फो एंड रिसेंट टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। इस फोन में भी जेस्चर्स देखने को मिल रहे हैं, नेविगेशन जेस्चर, स्क्रीन शॉट जेस्चर, जेस्चर कॉल है, आप नेविगेशन जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर आपको ये बटन्स का यूज़ नहीं करना है, फुल स्क्रीन जेस्चर्स के ऊपर आप जा सकते हो, जिससे आप यहाँ पे स्वाइपिंग से भी काम
कर पाओगे, तो ये एक अच्छी बात है। देखो यार, इसको शायद दबा के रखो तो मल्टीटास्किंग ट्रे आ गई, दैट्स नाइस। चलो यहाँ पे क्लियर करता हूँ सारा कुछ। बाकी इसका कैमरा इंटरफेस देख लेते हैं एक बार। कैमरा इंटरफेस बहुत ही नॉर्मल है, जैसे मुझे मैंने देखा है नॉर्मल आजकल फ़ोन्स में देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। रियलमी का भी ऐसा ही है, तो मैं फेमिलियर हूँ। यहाँ पे वो वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, फोटो मोड है, ब्यूटी मोड देखने को मिल रहा है, फेस क्यूट मोड है। अब फेस क्यूट मोड, टैप फॉर फोटो, ओके। तो यहाँ पर हमें शायद पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल रहा है, जिसको पोर्ट्रेट मोड को फेस क्यूट बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, बोके मोड डिफरेंट है, फेस क्यूट इज़ डिफरेंट समथिंग। देखता हूँ फेस मोड में क्या है हमारे पास। यहाँ पे फेस है हमारे पास कोई? यस, हमारे पास एक फेस तो है, हम ट्राई कर सकते हैं फेस क्यूट। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ना फेस को ये क्यूट सा बना देता है, जो भी आए थे कभी। बाकी इसको टेस्ट करूँगा यार, इस फीचर को क्या है। बोके मोड में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हम पोर्ट्रेट मोड है, इसका आनंद भी उठा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो फर्स्ट इंप्रेशन से साथ में फ़ोटो भी ठीक लग रही है। बाकी यार जब टेस्टिंग करूँगा तब पता चलेगा। और यहाँ से मेरी सेल्फी खुल जाती है एंड मैं बैठा हुआ हूँ, देखो, एंड ये दिख गया, हेलो हाउ आर यू। तो ये है सेल्फी कैमरा। ओके, जो भी है मैं सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चलते हैं, तो डेफिनेटली स्टोरेज पिक्चर साइज जो है 16 मेगापिक्सल की है, 16 मेगापिक्सल की आप फोटो ले सकते हो। मिरर सेल्फी ऑन है या नहीं वो आप देख लेना। ये 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि सेटिंग्स में दिखा रहा था। बैक कैमरा भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ सेटिंग्स की तरफ। और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो है 13 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा है बोके वाला वो है 2 मेगापिक्सल का, तो सेल्फी 16 मिल रही है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मिक्स स्किन देखने को मिल रही है, जो कि एंड्रॉइड 9 के ऊपर। देखो यार, यहाँ से आप लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे इंटेलिजेंट ऐप एग्रीगेटेड पेज देखने को मिल जाता है। बाकी आप सारे जितने भी आइकॉन्स हैं होम स्क्रीन के ऊपर जमा तो होते रहेंगे, बट यहाँ पे आप स्वाइप करेंगे तो पूरे का पूरा ऐप ड्रॉ भी देखने को मिल जाता है। बाकी यार मैं तो अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ नोवा लॉन्चर भर लेता हूँ, तो वो भी इसमें अगर मैं भरूँगा तो मुझे फेमिलियर सा लगेगा, बट मैं ऐसे यूज़ नहीं करता। मुझे वो बढ़िया लगता है नोवा लॉन्चर यूज़ करना, क्योंकि नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड है। बाकी इस चीज़ में अगर फ़ोन में देखें तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हो। पावर सेविंग का मोड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले में जाऊँ, अगर नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, यहाँ पे भी आप तीन चीज़ें देख सकते हो। डिस्प्ले में अगर जाऊँ तो बाकी ब्राइटनेस लेवल है, नाइट लाइट का फीचर देखने को मिल जाता है, अडेप्टिव ब्राइटनेस है, थीम्स है अलग अलग, वॉलपेपर, मैगजीन, क्लॉक, ओके सब कुछ है। फीचर्स तो काफ़ी बढ़िया फीचर है, फोन है, साउंड का मिल जाएगा। स्टोरेज जो है वो हमें 64 GB देखने को मिलती है, उसमें से यूज़ 15% है और बाकी हमारे को देखने को मिल जाती है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज की और रैम की कमी देखने को नहीं मिल रही। बाकी हमें फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो ये भी बढ़िया बात है। फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें बैक साइड पे देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने बोला फिंगरप्रिंट मैग्नेट बहुत है, ये फ़ोन बहुत सारे निशान छप जाते हैं। आई थिंक आपको कवर यूज़ करना पड़ेगा। डिजिटल वेलबिंग भी डाला गया है, सो आई एम इम्प्रेस्ड विद इट। गाइज, ये थी अनबॉक्सिंग एंड यहाँ पे हमारे फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। तो यार, जैसे कि मैंने कहा, अनबॉक्सिंग थी एंड अगर हम इसका फुल रिव्यू करते हैं तो उसके ऊपर आप अपना मन बनाइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइज। ये है कूल पैड का कूल 5, एक बजट स्मार्टफोन। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको चेकआउट करना हो। एंड डिवाइस फर्स्ट इंप्रेशन में ठीक ठाक है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ, एंड कमेंट करके बताना इसके बारे में आपको रिव्यूज़ वगैरह कुछ चाहिए कि नहीं। और फिर मैं Yeah, take care and keep smiling guys. Love you all. Bye-bye. Khayal rakho and happy Diwali.